पानीपत में वेस्ट गोदाम में लगी भयंकर आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। भाई पर आग लगाने का शक, जी आपको बता दें पानीपत शहर में देवपुरी रोड स्थित एक वेस्ट के गोदाम में अचानक से भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने गोदाम मालिक को दी। आग लगने की सूचना मिलते ही गोदाम मालिक मौके पर पहुंचा और रास्ते से ही उसने दमकल विभाग को कॉल कर आग की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार गोदाम 4000 वर्ग गज में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि मालिक ने भी यह जगह आगे ठेके पर दी हुई है, जिस पर अवैध तरीके से वेस्ट का कारोबार किया जा रहा है। इस जमीन पर 2 भाई बिट्टू सैनी और पप्पू सैनी निवासी रिसालू रोड पानीपत का आपसी विवाद चल रहा है। दोनों भाई जमीन पर अपना अपना हक बताते हैं। हाल ही में बिट्टू के हक में कोर्ट ने फैसला भी दिया है। रंजिशन भाई पर ही आग लगाने का शक जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल भूमि।